नमस्ते, हम आ गए हैं वेगस क्राइम सिमुलेटर में। जैसे कि अभी के टाइम में एड्रेस के पास में बहुत दिन से बंद था, तो उसके बाद उसने मेरे को कुछ ऐसी ऐसी चीजें दी जिसकी वजह से मैं पूरी तरीके से अपग्रेड हो चुका हूँ, जिससे मैं बहुत ही अच्छी बातें करना आ चुकी है और मैं बहुत ही अच्छे से लोगों को खत्म कर सकता हूँ। फिर भी अभी के टाइम पे मैं फिर से जाऊँगा मिलिट्री बेस में और लोगों को करूँगा खत्म। मिलिट्री बेस में मैं क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैं मिलिट्री बेस गया था और वहाँ से मेरे को भगा दिया गया। मतलब मारने की कोशिश करते भाई, मिलिट्री बेस जाता हूँ ना मैं, जब मारने की कोशिश करते हैं, मैं इतना खराब हूँ क्या बताओ तुम, इतना खराब हूँ तो किसी को नहीं मारूंगा वहाँ पे। इस बार फिर भी मैं इस बार वही बदला लेने वाला हूँ मिलिट्री बेस से। तो बेसिकली आज के टाइम पे छोटा सा मजाक, क्योंकि मेरे को जो साइंटिस्ट ने बनाया था उसने मेरे को कहा था मिलिट्री बेस में जाके मेरा बदला जरूर लेना, क्योंकि मिलिट्री बेस से कुछ लोग उस साइंटिस्ट के साथ एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे वो साइंटिस्ट नहीं थे, वो उसी मिलिट्री बेस में एक ऑफिसर थे जिनको अभी साइंटिस्ट बन के अपनी पर्सनैलिटी को छुपाना पड़ रहा है। तो अभी के टाइम पे हम सीधे चलते हैं मिलिट्री बेस में। तो जैसे कि मैं उड़ते उड़ते आ रहा था तो मेरे को यहाँ पे दिखी एक बहुत ही मस्त पिंक कलर की बाइक, और ये पिंक कलर के साथ एक सुपर बाइक भी हो सकती है, और ये गाड़ी में कुछ नहीं हुआ, देखो सुपर बाइक थी ना इसलिए अब तक कुछ नहीं हुआ। इसके पास में आके मैं आ गया हूँ और भाई बाइक तो देखो भाई मस्त दिख रही है, कोई इसमें गलती नहीं है। गिरो मत गिरो मत, मैं तुम्हें ले जाऊँगा अपने साथ, चलो अपन चलते हैं साथ में। मिलिट्री बेस के पास में आ चुका हूँ और ये मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पे है एक बड़ा सा UFO से आ गया। चलो मैं इस UFO को अपने साइंटिस्ट से बात कर ले जाऊँ इस चीज पे। तो भाई UFO आया कैसे यहाँ पे, मैं तो UFO को भाई जानता भी नहीं था, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तो लिखा नहीं गया, और UFO से मेरे को कोई बंदे मारने ना आए थे। लोग बहुत ज्यादा खराब है, मेरे को भाई मेरी मदद की जगह मेरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं।
यहाँ पे मैं अपने साइंटिस्ट से बात करने आया था और उन्होंने मेरे को दे दिए हैं एक चेयर जिससे मैं बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर सकता हूँ और ये भाई मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और साइंटिस्ट ने कहा है कभी भी कोई दिक्कत हो तो इस चेयर को तुम अच्छे से यूज करना और ये बहुत ज़्यादा यूज आएगी तुम्हारे। तो दिखाता रहा हूँ इसमें बैठ के कैसे इसमें डायरेक्ट कैसे बैठ जाना और ये हो जाती है बंद। और बंद होने के बाद अब मैं उसमें मार्क दिखाऊँ हेलो भाई अब आओ मैं आ रहा हूँ मिलिट्री बेस। मेरे को जो सर ने बोला था ना जो मेरे साइंटिस्ट हैं उनको अब कोई कुछ नहीं कर रहा मेरे साथ आ रहा हूँ मैं। तो अभी के टाइम पर मेरे को बहुत बोला है कि उनको इस गन से ख़त्म करवा दो और सीधे सीधे क्या करना है इस गन को तो बस चलाना है और ये गन चलेगी और उन लोग आराम से मर जाएंगे। तो अभी ऐसा रहता है कि गन चलने के बाद खत्म होगा भाई सब चलेगा टेलीपोर्टर करने लगते हैं। यहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह भी आने लगे रुको 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 हेलीकॉप्टर तो मैं जाता नहीं। अरे यार गाड़ी में बैठ के नहीं मैं तो यहाँ से ही मार सकता हूँ ना हेलीकॉप्टर को। कहाँ है हेलीकॉप्टर जी आप रुको 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 एमो बेसिकली मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे काम किया और मैं जब फाइव स्टार हो चुका हूँ। अरे भाई क्या कर रहे हो यार लोग गिराओ जब फाइव स्टार में भी तुम लोग को भी ख़त्म होना लगता है। अरे ये गलत चीज़ है यार ये गलत चीज़ जब अरे लोग बंदे भी कूद जाते कि सारे लोग कूद रहे हैं रुको तो रुको तो अरे भाई रुको तो डांस करने लगे ना रुको मैं इनको डांस करते करते मरवा दूँगा। मैं फाइव स्टार में हूँ इसमें और फाइव स्टार में कोई मेरे साथ कुछ कर नहीं पा रहा है। तो इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में तब तक ले बाय।